क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है 56 भोग? आज हम आपको इसके पीछे का कारण विस्तार से बताएंगे। भक्तों, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा उन्हें प्रतिदिन 8 बार भोजन कराती थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र गोकुल वासियों से रुष्ट हो गए और उन्होंने गोकुल पर बारिश का कहर बरसाया। तब भगवान श्री कृष्णा ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाए रखा और 7वें दिन जब बारिश रुक गई और गोकुल वासी गोवर्धन के नीचे से निकल आए, तब उन्हें ध्यान आया कि कान्हा ने तो 7 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। भक्तों, अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। भक्तों, इसके बाद माता यशोदा और सभी गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण के लिए 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 प्रकार के अलग अलग पकवान बनाए और लड्डू गोपाल को खिलाए। भक्तों, इसी तरह के रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।